आज हम देखने वाले हैं कैसे बनाएंगे मूंगफली की चटनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 से 8 लाल मिर्च लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो उतनी ज़्यादा मिर्च आप ले सकते हैं इसमें। तो इसमें मैं तवे पे थोड़ा सा इसको हल्का से रोस्ट कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट करना है। और मैंने इसमें करीबन 1 चम्मच तेल डाला है, ध्यान रखिए ज़्यादा तेल ना डालें। तो हमें इसे हिलाते रहना है और ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जले ना। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पे करीबन 1 कटोरी मूंगफली लिए हैं, जिसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसी सेम पैन में करना है और ऑयल नहीं डालना है अब, जो हमने पहले डाला था उतना ही काफ़ी है। और अब उसी सेम पैन में हम 8 से 10 लहसुन की कलियों को भून लेंगे, और साथ ही साथ में 1 बड़ा चम्मच जीरा भी डाल रही हूँ। इन दोनों को साथ में अच्छे से भून लेना है। अब हमने जो भी भुना था मैंने उसको पहले ठंडा कर लिया है, और अब उसको एक ग्राइंडर में डाल के हम अच्छे से पीस लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब इसको पीस दिया है एक बार। अब मैं इसमें नमक डालने वाली हूँ, नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आप उसको ज़्यादा ना पीसे, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दीजिए, वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया। अब हम सिर्फ एक बार, अब आप देख सकते हैं हमारी चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल